हेलो नमस्कार माय नेम इी एस सुधीर एंड यूर वाचिंग स्टडी विद सुधीर आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं दिस इज आई मस्ट टेल यू ए वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी मुझे बहुत मजा आया आई आई रेड इट अबाउट टाइम्स व्हेन वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई ऑल्सो डिड सम रिसर्च जैसे मेरी आदत है इन ऑर्डर टू गिव यू मोर देन वॉट इज देयर इन द स्टोरी तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स फॉर द नेक्स्ट थर्टी आट मिनट्स ये मजा आने वाला है ओके बिकॉज दिस इज अबाउट ह्यूमन एक ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट बोले तो इट इज अबाउट जो लोगों की आदमी औरत में जो धैर्य होता है टू बी एबल टू ओवरकम एनी चैलेंज ये इस चीज की मिसाल है ओके okay? ये कहानी उस चीज की मिसाल है इट्स कॉल्ड ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप ओके

Okay. So Satwe attempt Norge Okay. He died in Darjeeling. In fact, after the mountaineering institute was set up, he was made the first director. And in that sense, he has been a very important and a very influential figure as far as Indian mountaineering is concerned. He's basically a Nepali Indian Sherpa mountaineer. और इनका ओरिजिनल नाम वॉज नामग्याल वांगडी ये भी आप याद रखिए इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए बाय चांस आपसे एक मार्क का ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सके ओके okay, इनको पद्म भूषण भी दिया गया भारत सरकार की तरफ दिस इज अबाउट व्हाट हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओके उस दिन जिस दिन वे ऊपर चले ट्वेंटी ऑफ मे 1953 को उस दिन क्या हुआ ओके okay, सो so ये काफी रोमांचक

Different ways of getting to the top. So, there is an entire team which will set up base at different levels on the way to Mount Everest. Okay. So, Camp Nine is the last one from where only these two people had left Edmund Hillary and Tenzing Norgay. And it was a Friday morning. He was determined to get to the top. And what was going on in his mind? I remember thinking, I was to get to the top even if I die. अगर मेरी मौत भी हो जाए फिर भी मैं ऊपर जरूर चढ़ूंगा सो so, एक तरह से ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए आज तो मेरे को ऊपर चढ़ाई करनी ही है आई वॉज अफ्रेड टू डाई डे कि मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट जब मौत से डर नहीं लगता बिकॉज ऑफ the Everest। पीपल fact, many एवरेस्ट इनफैक्ट on ऑन द वे बैक राइट एंड आई विल टेल यू we come कम टू दैट पॉइंट इन chapter also.

एंकर इसका मतलब क्या हुआ अगर ऊपर चढ़ने वाला आदमी बाई चांस कहीं फिसल जाए उसको पकड़ने का काम तो एक तरह से भी एक तरह से नेग्लिजेंस नहीं हो सकती है ही कैनोट बी नेग्लेक्टिंग इट इवन फॉर हाफ ए सेकेंड राइट द मैन गोइंग इन लीड वो क्या करता है आइस ब्रेक करता रहता है एंड ही कीप्स क्लियरिंग द वे रास्ता बना रा, बनाता रहता है ताकि दोनों निकल सके लेकिन द सेकेंड पर्सन फिसले ना गिरे ना यू नो एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च के दौरान पता चला दैट हिलरी की जान बचाई थी थी नॉर्गे ने एक पुराने एक्सपेडिशन में एंड उसके बाद एडमंडक्टेशन राइट सो इन दैट सेंस दे प्रीवियस कनेक्शन टू दैट इफेक्ट इन माई पॉकेट आई flags

तो तो right? have have so, फ्लैग भी लेकर आए हो तो इसका मतलब क्या हुआ नेपाल ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन और भारत चारों के फ्लैग्स एडमिन टेन्सिंग नॉर्गे के पास थे जो की उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां पर एवरेस्ट पर डालने हैं ठीक है यहां तक समझ में आ गया आगे चले After one hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of rocks. Now, you see, Everest is in four directions hai na, south, west, north east, Right? So, south face, se they have climbed up and then they started moving towards the western side. Jahan par jo, jo, uh, rocks, the, okay, the rocky area tha, that was very steep, steep, it was like this, okay, angle. Pe tha. और ऑब्वियसली इसको चढ़ना ज्यादा मुश्किल होगा ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट राइट सो दिस वाज़ स्लो एंड डिफिकल्ट तो काफी देरी भी लग रही थी वंस वी हैड क्लियरड दिस देयर वाज नथिंग बारिंग आवर वे टू टॉप बट ए स्नो कवर्ड इंक्लाइन ये पोर्शन अगर हम पार कर दें इसके बाद की चढ़ाई आसान होगी बिकॉज इसके बाद सिर्फ एक ही जगह पर एक स्नो कवर्ड इंक्लाइन है फिर से एक ढलान टाइप है जिसके ऊपर बर्फ भी है लेकिन उसके अलावा बाकी का एरिया ज्यादा स्लोप नहीं है स्लोपिंग लेस मतलब ज्यादा स्लांट नहीं होगा ज्यादा फ्लैट होता रहेगा तो चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा बल्कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो ऑब्वियसली चढ़ाई करना ज्यादा मुश्किल होगा आई मीन यू अंडरस्टैंड दैट मच राइट दिस ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इंक्लाइन प्लेन के बारे में These last 60 or 70 feet up the top were not at all dangerous. But we kept up the same steady pace, and we reached the small flattened summit almost together. Okay, तो लास्ट के जो साठ सत्तर फीट थे ऊपर जाने तक ज्यादा डेंजरस नहीं थे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ okay, रिस्क नहीं था But we kept up the same steady pace. लेकिन हम चल रहे थे because क्यों Because ऐसा नहीं है कि बैठ के आराम से यू you नो know, थोड़ा सा मस्ती करते हैं ऐसा नहीं हो सकता है. गाना गाते हैं नहीं हो सकता है बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई कम रहता है ऑक्सीजन मास्क तो ऑब्वियसली है okay, so like तो लास्ट चढ़ाई में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टायर्ड हो गया अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है यू के नॉट यू डू नॉट है लग्जरी टू डू दैट यू कैनोट अफोर्ड टू डू दैट वो नहीं कर सकते हैं तो यू हैव टू क्लाइंब अप फास्टर एंडल फ्लैट समिट मतलब दी हाइएस्ट पॉइंट

टाइम रोपलोस रस्सी को एक तरह से लूसली बांधा हुआ था लेकिन कुछ जगह पर भी थोड़ा रिस्की एरिया था वी ड्रू इट टॉट ये तो माउंटेनियरिंग से चढ़ाई चढ़ते कब रस्सी लूस होनी चाहिए कब रस्सी टाइट होनी चाहिए यह सब माउंटेनियरिंग में सिखाया जाता है कभी आप माउंटेनियरिंग करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई ना कोई तो माउंटेन्स चढ़े शायद एवरेस्ट चढ़ जाए ओके इट्सिनेटिंग काइंड ऑफ थिंग टू डू राइट तो आपको पूरे छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसमें यह सब सिखाया जाता है कि रस्सी का इस्तेमाल किस तरह से की जाए किस तरह का टेक्निक उसमें इस्तेमाल होना चाहिए ओके दिस टेक्निकॉस ए सिंबल इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पेंसिल से मार्क कर लीजिए पेंसिल हमेशा पास में रखनी चाहिए और पेंसिल भी है इसमें इस स्टोरी में दिस रोप ऑस ए सिंबल इ टाइडेस्ट टूगेदर ये रोप एक तरह का

और ये रस्सी जो हम दोनों को बांधे हुए हैं एक दूसरे को बांधे हुए हैं दैट इज सिंबल ऑफ आर टीम स्पिरिट जैसे बैडमिंटन में होता है टेनिस में होता है डबल्स होते हैं राइट right? एक प्लेयर बहुत बढ़िया खेले दूसरा प्लेयर बिल्कुल फिसड्डी की तरह खेले टीम जीत पाएगी टीम नहीं जीत पाएगी राइट सो बोथ ऑफ देम अदर बी टुगेदर बी डूइंग गुड ओनली देन दे द माउंट एवरेस्ट to the top of Mount Everest. और इसीलिए उसको कहा है कि ये symbol है इसके बाद एक और बात हुई जिसका कि जिक्र बाद में नॉर्के करते हैं काफी controversy हुई थी कि क्या कौन चढ़ा था पहले रिपोर्टर्स में होता है ना अरे पहले कौन चढ़ा हमको पहले वाली बात बताओ दूसरे में हमको इंटरेस्ट नहीं है पहले कदम किसने रखा तो इन दोनों का मतलब ये था कि हम दोनों एक साथ चढ़े थे किसने पहला कदम ऊपर रखा ये मायने नहीं रखता है बंधु ओके अगर फर्स्ट क्लास में कौन आता है फर्स्ट क्लास में 90 मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड आता है दूसरे की एटी नाइन है डज इट रियली मेक इट डिफरेंस डज इट रियली फॉर मी बोथ ऑफ देम आर टॉपर्स बोथ ऑफ देम आर विनर्स राइट ऑल इंडिया रैंक वन ऑल इंडिया रैंक टू इन जेई नीट एक मार्क का फर्क होगा शायद पड़ता है क्या आई मीन एट वन लेवल इट रियली मेक डिफरेंस या एशियन गेम्स ओलंपिक गेम्स में में गोल्ड और सिल्वर एक माइक्रो सेकंड का भी फर्क हो सकता है आई एग्री कंप्लीटली लेकिन यहां पर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने डिसाइड किया था जिस जो की स्टोरी में बाद में आएगा कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि पहला कदम किसने रखा था ये मायने नहीं रखता है दुनिया को ये बात जानने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट आई हैव मेट एडमंड हिलरी

नी मोर इम्पॉर्टेंट वरीपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है उस समय चढ़ाई करते वक्त अंडरलाइन कीजिए अकेले मैं नहीं कर सकता दोनों की जरूरत है मेरे बिना हिलरी नहीं कर सकता हिलरी के बिना मैं नहीं कर सकता ओके okay? मेरा एक बहुत मन था कि कभी ऐसा एक मर्डर मिस्ट्री लिखू कि दो लोग ऊपर गए और वहां पर झगड़ा हो गया और एक ने दूसरे का खून कर दिया जस्ट इमेजिन एक मर्डर थ्रिलर जिसका कोई भी आईविटनेस नहीं है जस्ट इमेजिन इंटरेस्टिंग ना

ठमांडू वी डिस्कवर्ड यहां पर सिर्फ बीस फीट का फासला था विच इज इनसिग्निफिकेंट आई मीन टू दाइट ऑफ माउंटी फीट वेन काटमांडूट्रोवर्सी बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी विवाद uh, उठ गया था तब कोई आर द नेशन वॉन्ट्स टू नो नहीं था फिर भी विवाद आ गया वी टॉक डिट ओवर हिलरी टॉक वॉज चाइल्डिश बचपना था सो वी मेड ए पैक्ट हमने एक एग्रीमेंट किया एंड ईच ऑफ इट ईच ऑफ अस साइंड ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के पास का स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट ही टॉक्स अबाउट वॉटीन शेरपा एंड आई लेफ्ट आर हाई कैम्प दिस इज रिटन बाई हिलरी

आवाज नहीं पहुंची होगी ऑन टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड रिलीजियस इमेजिन पर्सन तो पहला थॉट पहला ख्याल उनके दिमाग में आया भगवान की तरफ भगवान की ओर थैंक्स गिविंग ग्रैटिट्यूड ओके

मतलब मेरे रिलीजन के तहत मेरे रिलीजन के अनुसार जो भी इस तरह के रिलीजियस बिलीफ हैं उसके अनुसार मैं वहां पर कुछ ऑफरिंग्स ऑफरिंग्स मतलब जो प्रसाद नहीं बोल सकते हैं वॉट यू ऑफर टू गॉड राइट जैसे हिंदू रिलीजन में यू ऑफर फ्लावर्स कोकोनट तुलसी लीव एक्सेट्रा यू ऑफर टू गॉड राइट सिमिलरली बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट आई कुड नॉट नील मैं पूरी तरह से नील नहीं आई मीन पूरी तरह से प्रोस्ट्रेट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई इक्विपमेंट, ओके पूरी तरह से झुक नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई ऑब्वियसलीड नॉट नील बट आई ऑफर अट प्रेयर इन माइ हार्ट कि मैंने मन में ही एक साइलेंट प्रेयर किया दर बिस्किट्स कैंडी एंड ए लिटिल ब्लू पेंसिल हाउ इंटरेस्टिंग बिस्किट कैंडी और एक छोटी सी blue pencil okay my youngest daughter nima had given me the pencil before i left home because it was very precious to her so she was giving away something which is very precious and dear to her to offer to god when her father would be on top of the world okay on the summit of the world she asked me to put it on top of the mountain as her offering okay it was an ordinary blue pencil Asanita sanita ki both mengi pencil thi. an ordinary normal old uh, blue pencil ट इवन लॉन्ग वन पूरी भी नहीं थी लंबी भी नहीं थी छोटी थी, देखो मैंने क्या डाला है एंड यू लुक डेट इट एन स्माइल बिकॉज यू अंडरस्टैंड नो इट्स वेरी क्यूट राइट कि छोटी सी बच्ची ने अपनी प्यारी सी पेंसिल भेजी है नीली पेंसिल भेजी है एवरेस्ट पर लगाने के लिए

तो छोड़ नहीं सकते हैं तो फ्लैट तो थे ब्रिटेन इंडिया नेपाल यूनाइटेड नेशन आई वॉज वेरी बहुत प्यास लग रही थी I took out a water tumbler for a drink and but I found the water in the metal container had frozen. पानी पूरी तरह से जम गया था सो आई कुंड क्वेंच माई थर्स क्वेंच मतलब प्यास बुझाना आई क्वेंच माइथर्स विद वॉटर इज मैं अपनी प्यास को पानी पीने से बुझाता हूं ओके सो यहाँ पर उसने थोड़े बिस्किट खाए प्यास नहीं बुझा पाया एंड आई ऑफर्ड टू हिलरी

Uh, at 28,000 odd feet, when he had given him the red scarf, okay, and ye red scarf, Darjeeling, he had gone all the way to Mount Everest, so it was very dear to him, okay, as I stood at the top, I remembered him, I remembered Lambert, ko kiya and I felt that he was with me, I felt that Lambert was with okay, I felt absolutely fit at the summit, because till if you have, you can get very breathless, but Norgay says, that I felt fit feel फील कर रहा था माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर था आई डिड नॉट फील टायर्ड आई फील एक्साइटमेंट इट वॉज ए वेरी क्लियर सेंसेशन होता है ना कि मैंने फर्स्ट हिस्ट्री में इसका नाम हमेशा रहेगा कि एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था एडमंडलरी एंड पर्सन below all the hills and mountains looks and like gods and goddesses like me another uh, to me another case of his devotional and religious side the plains below look like so many broken pieces of the map two or three people could stand there on the roof on the world if you cut eyes log summit 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for two people to sleep vapar agar the bce feet, vapar though so bce 30s Tent right समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड जिस तरह से एवरेस्ट का जो टोपोग्राफी है एक तरफ से फ्लैट है लेकिन दूसरी तरफ से काफी इट्स वेरी स्टीप इट्स एन इनक्लाइंड थिंग There is snow on the northern side, rocks on the south, and snowy rock on the west. It's for details of the Everest. Okay. We stayed on the top for a little more than 15 minutes, 15 minutes. Because you need to save on oxygen also. We were lucky that there was no gale. Gale matlab strong wind, icy winds. Because agar icy winds hote, so you would get blown over or you would feel very sick because of.

गलत जगह पे पड़ गया तो आप पूरी तरह से फिसल सकते हैं और यहां पर काफी बर्फ भी रहती है यू वुड गो टू कैंक ग्लेशियर एक ग्लेशियर का नाम रखा है वहां तक आप पूरी तरह से फिसल के जा सकते हैं ग्लेशियर इज अगेन ए मास ऑफ आइस एंड देर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर चले गए ओके यू वुड बी गेट यू वुड गेट बरीड इन आइस बर्फ में ही यू वुड गेट बरीड

Important detail and drank it. When we left, we took only our sleeping bags. baki sab cheeze wahi pe chhod ke chale gaye From camp 9 to camp 8 नीचे आते वक्त, where we spent the night was an easier job. Okay, just above camp eight. Because अभी उनको बताना भी था. तब तक किसी को पता नहीं था कि ये दोनों ऊपर चढ़े हैं या नहीं, right? तो the others could see us. कौन? I raised my arm with my thumb up. Noise uh, and law saw us and that,

वो नॉइस से मिले ब्रॉट इस में केरोसिन की बदबू आ रही थी Because उस उस एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में चाय तो बना ली थी लेकिन उसमें थोड़ी मिक्स हो गई थी, जेंटलमैन okay. नॉइस ने काफी मेहनत करके uh, चाय लेकर आया था सो आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट वॉट एवर कोई भी किसी भी तरह की बदबू आए केरोसिन की फिर भी मैं उसको पीऊंगा करके उसने उसको पिया नाउ क्वालिटीज ऑफ टेंसिंग नॉर्गे आए तो आपको चार चीजें लिखनी पड़ेंगी एक तो वो काफी पेट्रियोटिक थे ओके राष्ट्रभक्त थे इसीलिए वो भारत का फ्लैग लेके वहां से जा रहे थे फिर नेपाल का फ्लैग वगैरह भी उन्होंने वहां पर लगाए देन ही हैड लव फॉर इज डॉटर द डॉटर नीमा का एंगल के बारे में पूरी तरह से लिखिए देन द परसिवरेंस की छह बारी फेल हो गए लेकिन सातवीं बारी और आज तो मैं मौत भी हो जाए फिर भी मैं चढ़ूंगा सो दैट थिंग ऑफ यू नो कि नेवर से डाई स्पिरिट कि मैं कुछ भी हो जाए चढ़ूंगा जो कि हम सबको से सीख लेनी चाहिए कि हम तो थोड़ा सा हो जाए मायूस हो जाते हैं अरे मुझसे नहीं होगा सोचो इतना ऊपर

or edmund hilary kibete, they both went on an expedition to mount everest. okay, how interesting. what their fathers had done, their respective sons did that 50 years later. okay, so it's quite an interesting uh, thing. Uh, chapter, i hope you enjoyed it. i enjoyed it very much. and i do hope, you koi bhi isme se, aap uska uttar de any doubts, please do ask. but i think it's a straightforward story. and if you have managed to understand it and enjoy it, it will reflect in your answers also. Okay, all the best to you. May all of you be an Everest in your life. Thank you very much.